अरे मेंढक इशारा मत कर, बोल क्या हुआ मुंह से? मेंढक देख मारूंगी यार, एक तो मटर खाना बंद कर और बोल जल्दी क्या हुआ पीछे। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, ये कौन था, कहां से आया था और ये मेरे हाथ से क्या हो गया? भाभी इनका शरीर तो ठंडा पड़ गया है, और हमारे बाबूजी कहते जब किसी का शरीर ठंडा पड़ जाए तो समझो कि वो हराम। कोयल बनी कातिर नहीं, लेकिन इतनी सी मार से कोई कैसे मर सकता है? भाभी आज सुबह ही घोटक भैया ने बताया था, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चोट जिंदगी के खतरे का कारण बन जाती है। वही हुआ भाभी, हम मयूरी भाभी नहीं, नहीं, नहीं। मयूरी को कुछ मत बताना, और तू भी मेंढक वहाँ से इशारे कर रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं सकता था। भाभी आपने तो कहा था जा वहाँ जाके बैठ जा चुपचाप, तो हम वहाँ जाके बैठ गए चुपचाप। हे भगवान, तू भी बिल्कुल मेंढक ही है, सब कुछ सबके सामने आ गया तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी, बाबूजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो मैं क्या करूं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं। और सुन मेंढक, तू भी ये बात किसी को नहीं बताएगा। देख देख, तूने आज तक मेरी सारी बातें मानी है ना, तुझे मेरी ये बात भी माननी पड़ेगी, मानेगा ना? बोल मयूरी भाभी। नहीं नहीं नहीं, मयूरी भाभी को नहीं, किसी को भी नहीं। वादा कर, तू किसी को नहीं बताएगा, वादा कर। ये बात किसी को नहीं बतानी कि सेल्समैन भैया यहाँ आए थे और आपके हाथ लगने की वजह से वो ठीक है, कोई नहीं पूछेगा तो नहीं बताएंगे। मयूरी को इस मुसीबत से बचा लो, अगर मयूरी जेल चली गई तो मयूरी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और फिर मयूरी किसी भी बात पर डांस नहीं कर पाएगी। अरे वो देखो, बनारस की डांसिंग क्वीन जा रही है। अरे वो तो गुनेगार है। नहीं, वो मुजरिम है, और एक औरत होकर ऐसा गंदा काम करती है, केसरी नारायण जैसे आदमी की बहू और ऐसा काम। नहीं नहीं, मयूरी ऐसा कभी नहीं होने देगी। अब क्या करूं, ये क्या हो गया मेरे हाथ से, किसी ने इसे यहाँ देख लिया तो मैं तो गई काम से। क्या कर दिया मैंने, मैं काम करती हूँ, इसे चिड़िया घर के बाहर रख देती हूँ, कोई ना कोई पुलिस में खबर कर देगा, मेरा नाम भी नहीं आएगा। चल मेंढक उठा।
अरे मेंढक बर्तन को नहीं आदमी को उठा, इसे बाहर ले जाने में मेरी मदद कर। जी भाभी। सुन 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 सुन, एक काम कर, मैं बाहर चेक करके आती हूँ पहले, कोई है तो नहीं, ठीक है? तू यही रुकना। हाँ जी भाभी। रुकना हा? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं हुआ। तू यहाँ क्या कर रही है? नहीं वो छत पे ना मिर्ची सुखा दी। चलिए अब आपकी खाना बनाने में हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं, किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी मयूरी दीदी जाने से मना कर रही थी और अब आप जाने से मना कर रही हैं। वो मयूरी सही कह रही थी, किचन में चूहा है, बहुत बड़ा चूहा है। चूहा? बड़ा चूहा? हाँ बहुत बड़ा चूहा है, इसलिए तू जाके वो कपड़े छत पे सुखा के आ जा। हाँ मैं ये कर देती हूँ। ये कपड़े ना सूखे हुए, इनको सिर्फ तह करके लगाना है। कहाँ सूखे हैं? जाकर मयूरी से पूछ। अरे जा, जा। अब मैं क्या करूं? हाँ मैं अपने कमरे में छिपा देती हूँ, रात तक तो वैसे भी वहां कोई नहीं आएगा, तब तक कहीं ना कहीं ठिकाने लगा ही दूंगी। मुझे नहीं उठेगा, क्या करूं? मयूरी दीदी ये कपड़े जरा छू के बताइए, सूखे हैं कि गीले हैं? हाँ सूखे हैं। है ना? वही तो। लेकिन ये कोयल दीदी क्यों इनको गीला बोल रही हैं? और ऊपर से ये चूहा किचन में घुस गया मुझे डराने के लिए। मुझे कितने काम है, अभी मुझे किचन में जाके बर्तन भी धोने हैं। किचन में? कोयल दीदी जब कह रही हैं कि ये कपड़े गीले हैं, तो ये कपड़े गीले हैं। जाओ जाके छत पे जाके इन्हें सुखा दो। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जाओ, मयूरी कह रही है ना, छत पे जाके इन्हें सुखा दो। दीदी आप एक बार छू के देखिए ना प्लीज। कबर्ड सही जगह है। चल मेंढक मेरी मदद कर, जल्दी आ। मेंढक कहाँ ना, इसे अंदर रख, जल्दी कर। हमारी खाली क्यों नहीं? ये क्या कर रहा है मेंढक? भाभी आपने तो कहा इसे अंदर रख, तो अंदर रख रहे थे।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाभी किसकी बुद्धि विपरीत है? मेरी है मेंढक, मेरी है जो मैं तेरी मदद ले रही हूँ, पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। सुन मेंढक, तू इस आदमी को तू इस कबर्ड में रखने में मेरी मदद कर, समझा? कभी अभी पक्का मेंढक, प्लीज मेरी मदद कर। चल चल। फिलहाल के लिए तो ये जगह सही है, अब इंतजार है एक सही मौके का। मयूरी दीदी, क्या है, कौन है, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? वो मयूरी अभी घबराहट डांस करके आई ना, इसीलिए घबराहट मूड में है। ओ दीदी, आप थोड़ा साइड में हटो ना, मुझे ठंडा पानी पीना है, बहुत प्यास लग रही है। मयूरी तुम्हारे हिस्से का ठंडा पानी पी लेगी। क्या? वो मयूरी ये कहना चाहती है कि मयूरी ने सारा ठंडा पानी पी लिया है, फ्रिज में और पानी ही नहीं है, तुम जाओ। दीदी मुझे एक बार चेक करने दीजिए, हो सकता है फ्रीजर में ना ठंडा पानी रखा हो। फ्रीजर में ठंडा पानी नहीं है, मयूरी फ्रीजर से भी ठंडा पानी पी चुकी है। तुम्हें मयूरी की बात पर विश्वास नहीं है? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आई ट्रस्ट यू, लेकिन वो क्या है ना, मैंने छत में इतने सारे कपड़े धूप में सुखाए, इसलिए प्यास लग रही है। दीदी तुमने छत पे फिर से कपड़े क्यों सुखाए, वो तो सूखे हुए थे। अरे अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि कपड़े गीले। वो मयूरी ने नहीं कहा था, वो मयूरी की दीदी ने कहा था। अब तुम एक काम करो, मटके का पानी पी लो और जल्दी से छत पे जा, जाके सूखे हुए कपड़े लेकर आओ, अगर बारिश हो गई तो। तेरी धूप है, बारिश धूप में भी बारिश हो सकती है नागिन, तुम अपनी मयूरी दीदी के साथ बहस कर रही हो? नहीं दीदी, मैं बहस नहीं कर रही हूँ। अच्छा बहुत सारे कपड़े दीदी, आप भी चलो ना प्लीज। ठीक है, मयूरी भी चलेगी तुम्हारे साथ। चलो, खड़ी क्यों हो, चलो। पानी तो पीने दो दीदी। जल्दी पानी पी लो। पता नहीं क्या हो गया, दोनों दीदियां मुझे तब से छत पे दौड़ाए चली जा रही हैं। अभी कोई ना कोई आता जाता रहेगा, अभी सेल्समैन को फ्रिज से निकालना सेफ नहीं है, रात को सब सो जाएंगे तब मयूरी सेल्समैन को ठिकाने लगा देगी, तब तक फ्रिज बंद रहेगा। क्या बात है, दिन की आखिरी ट्रेन भी चली गई हो, ऐसा सन्नाटा क्यों है प्लेटफॉर्म पर? कोयल, मयूरी, मेंढक, अरे कहाँ सब लोग, आ जाओ प्लेटफॉर्म पर, राजधानी आ गई है। मयूरी, मैं तेरे लिए सरप्राइज लाया हूँ, ये देखो। मयूरी जानना चाहती है इसमें क्या है, खुद खोल के देख ले। Thank you.
ये है डांसिंग बैंड। डांसिंग बैंड? जी हाँ, ये आप अपने पैरों पर बांधो और फिर आप कोई भी धुन बजा सकते हो। आपके पैर उस धुन पर अपने आप थिरकने लगते हैं। क्या हुआ भैया? बोलो ना क्या हुआ? कस्टमर? अरे क्या हुआ ये अपनी मयूरी से पूछ। यार मैंने डांसिंग बैंड इसे सरप्राइज में दिया, तो जैसे सांप दिया हो वैसे हम सबको डिरेल कर दिया और गिफ्ट को भी डिरेल कर दिया। मयूरी, तुम्हारे जेठ जी का दिल दिल है, कोई शीशा नहीं जो ठेस लगाकर तोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है दीदी, दरअसल मयूरी को ये गिफ्ट पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं है मयूरी? अरे एक बार ट्राई करके तो देख ले, इसमें ना तरह तरह का म्यूजिक बजता है, तू अच्छी तरह से डांस भी कर पाएगी। एक मिनट मेंढक, ये ले इसे पहन कर दिखा। डांसिंग बैंड है या मिस्टर इंडिया की घड़ी है? ये सरप्राइज इतना बुरा है क्या? नहीं, बहुत अच्छा है, पर मयूरी को इसकी जरूरत नहीं है। क्या कर रही है मयूरी? कस्टमर? अरे भैया इतने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए थे, कम से कम एक बार उसको पहन लेती, भैया का दिल रख लेती, उसके बाद उसको फेंक देती। क्या बोला तू? मतलब उसके बाद उसको फेंक कर किसी और को दे देती। हाँ, माफ करना जेठ जी, पर जब से मयूरी ने किचन में चूहा देखा है तब से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या गिफ्ट को भी चूहा समझकर फेंक दिया तुमने? अब मयूरी कैसे समझाएगी मयूरी की जेठ जी को? मैं समझ गया। आप क्या समझ गए भैया? कस्टमर? अरे गोमू कही के यही कि मयूरी को डांस करने के लिए किसी आर्टिफिशियल चीज की जरूरत नहीं है, है ना मयूरी? ओ, करेक्ट। आप कितने समझदार हो भैया, डॉट 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 डॉट, कितनी जल्दी सब कुछ समझ जाते हो। हाँ कोई नई बात नहीं है गोमुख, मैं नहाकर फ्रेश हो जाता हूँ। डॉट 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 डॉट, हरिओम। मयूरी? हाँ जेठ जी। मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ जेठ जी। अरे सबकी बात समझते हैं, सबकी परेशानी समझते हैं, बस मेरी बात और मेरी परेशानी नहीं समझते। और सरप्राइज मेरे लिए आप कोई सरप्राइज नहीं लाए ना? अरे मेरी डेक्कन क्वीन, तुम कहो तो आज अपनी बोगी के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दूं। नहीं नहीं, मैं रात को घर के बाहर कैसे जाऊंगी? रात को घर के बाहर क्यों जाना है तुम्हें? कल तुम भी ना, मुझे राजधानी में ओवर टाइम करने के लिए कहा गया था, वो छोड़कर मैं यहाँ घर पर आया ये सोच के कि... अरे तो क्यों छोड़कर आए, जाइए जाइए ओवर टाइम कीजिए, तब तक मेरा भी काम हो जाएगा। जाइए जाइए, अभी आप करके आइए ओवर टाइम। राजधानी तो ऑलरेडी आकर चली गई होगी ना, कुछ समझती नहीं हो। काल का मेल हो, काल का मेल। समझते तो आप नहीं है कि मैं कितनी परेशानी में हूं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।